हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन विद्यासा। आज हम बात करेंगे वोकैबुलरी की। जी हाँ, आज मैं आपको ऐसे ऐसे वोकैब्स देने वाली हूँ जिसकी वजह से आप अपनी स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव करने वाले हैं। बट मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें और जितने वोकैब्स आज मैं आपको दे रही हूँ उन्हें आपको यूज़ करना है आज से, अभी से। इसलिए हर एक वोकैब पे एक सेंटेंस बना के कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। और जब तक ये वोकैब्स आप रट ना लें तब तक आप आगे और कोई वीडियो ना देखें। जी हाँ, मैं आपसे यही कहूँगी, यही तरीका होता है। अगर आप बार बार रिवाइज करते हैं किसी चीज़ को, बार बार पढ़ते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार सुनते हैं, तब जाके वो चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाती है। तो अगर आपने इन्हें तैयार कर लिया तो वैसे ही आप इन सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से बोल पाएंगे। मैं सबके साथ आपको एग्जांपल्स भी दूंगी, इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा। तो सबसे पहला है कट डाउन। क्या है कट डाउन? यहाँ कुछ काटना नहीं है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कम करना, मतलब आप किसी चीज़ को यूज़ करना, किसी चीज़ को खाना कम कर देंगे, ठीक है, तब आप इसको यूज़ करेंगे। सेंटेंस में आप बहुत अच्छे समझेंगे, एक एक सेंटेंस आपको बनाना है, ध्यान रखिएगा। रोहन इज़ ट्राइंग टू कट डाउन ऑन स्मोकिंग, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि रोहन धूम्रपान करता है, लेकिन अभी क्या कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कम करने की उसको, ठीक है। अब यहाँ है आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन कैफीन। तो कॉफ़ी पीते हैं आप, अगर आप ज़्यादा पीते हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन कैफीन, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैफीन पीनी कम कर दूँ। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को कैसे यूज़ करना है? तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें हम ऑन का यूज़ कर रहे हैं साथ में, तो आपके लिए तैयारी करनी और आसान हो जाएगी, राइट। आई थिंक आई नीड टू कट डाउन ऑन ईटिंग फ्राइड फूड्स, ठीक है। मुझे लगता है कि मुझे फ्राइड फूड्स जो होते हैं, जो तले भुने खाने होते हैं, उन्हें खाना कम कर देना चाहिए या कम करने की ज़रूरत है। वैसे आप क्या कहते हैं, क्या मुझे करना चाहिए? वैसे मैं ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ। आर यू ऑल्सो ट्राइंग टू कट डाउन ऑन समथिंग? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। क्या आप भी कोई चीज़ खाना पीना कम करने की कोशिश कर रहे हैं? तो ज़रूर से लिख के बताइएगा। आप ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं, नाउडेज आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन शुगर, ठीक, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इज गेट बाय। अब इसका मतलब आपको दिख रहा है काम चलाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर आप यूज़ करते हैं, राइट। तो आप इसे यूज़ कीजिए ना गेट बाय जब भी काम चलाने की बात आए। कैसे, देखिए, हाउ कैन ही गेट बाय ऑन सो लिटल मनी, वो इतने कम पैसे में कैसे काम चलाता है, कैसे गुजारा करता है। तो इसके दोनों ही मतलब आप समझ सकते हैं, हिंदी में भी कई तरीके से हम बोलते हैं। माई इंग्लिश इजंट वेरी गुड बट इट्स इनफ टू गेट बाय, ठीक है। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है लेकिन इतनी है कि मैं काम चला लेता हूँ। वी कैन गेट बाय विथ 4 lights एट द मोमेंट। अभी के लिए एट द मोमेंट मीन्स इस समय, नाव की बात होती है, तो अभी के लिए 4 lights से हम काम चला सकते हैं। बट वील नीड अ कपल मोर नेक्स्ट मंथ। तो अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, काम चला सकते हैं। गेट बाय विथ, दिख रहा है आपको यहाँ पे, हमने यहाँ पे गेट बाय विथ का यूज़ किया है, यहाँ पे गेट बाय ऑन का यूज़ था, यहाँ पे गेट बाय पे एंड कर दिया हमने, तो ऑन और विथ दोनों का यूज़ होता है। तो मैं आपसे ओवरऑल ये कहना चाहती हूँ कि जो प्रेपोजिशंस हम यूज़ कर रहे हैं साथ में, जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसके आजू बाजू, मतलब आगे या पीछे, उसको ध्यान में रखिएगा कि हम क्या यूज़ करते हैं, तो आपके बड़े काम बन जाएंगे। इस पर भी एक सेंटेंस कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, ज़रूरी नहीं आप कॉमेंट सेक्शन में लिखें, आपके पास पेन डायरी हो तो वहाँ लिख लें, आप उसे फिर से देखें, अपनी प्रैक्टिस करें बस। नेक्स्ट इज़ ब्रेक डाउन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेली यूज़ कर सकते हैं आप इसको, आई विश की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इसका मतलब होता है ख़राब हो जाना, कोई मशीन है या जैसे कार हो गया, वो सब ख़राब हो जाए, बंद हो जाए, रुक जाए, तो आप इसका यूज़ करते हैं। सॉरी आई एम लेट, माफ़ करना मुझे देर हो गई, माई कार ब्रोक डाउन, मेरी कार बंद हो गई, ख़राब हो गई, ठीक। द लिफ्ट हैज़ ब्रोकन डाउन अगेन, लिफ्ट फिर से ख़राब हो गई। ओ नो, हैज़ योर वॉशिंग मशीन ब्रोकन डाउन अगेन, अरे नहीं, क्या तुम्हारी वॉशिंग मशीन फिर से ख़राब हो गई? समझ गए आप, तो ब्रोकन थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी आप देख सकते हैं ब्रोकन, ये ब्रोक क्या है, सेकेंड फॉर्म है। अब आते हैं गेट ओवर, इसका मतलब होता है कि जैसे कोई दुख तकलीफ में है, काफ़ी गम में है,
उस फेस से वो उबर जाए, तब हम इसका यूज करते हैं. गेट ओवर, अच्छा महसूस करना, मतलब अभी ठीक नहीं महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस करने के लिए हम इसका यूज करेंगे. इट टेक्स वीक्स टू गेट ओवर एन इलनेस लाइक दैट. इस तरीके की बीमारी से उबरने में, ठीक होने में हफ्तों लग जाते हैं. तो क्या, टू गेट ओवर एन इलनेस लाइक दैट. रिया इज प्रिटी अपसेट, रिया काफ़ी परेशान है, बट शील गेट ओवर इट, लेकिन वो इससे उबर जाएगी. ठीक है, तो अभी आप देखिए गेट ओवर के बाद सीधे हमने यहाँ इट यूज़ कर लिया, यहाँ वो इलनेस उसके बारे में, और कुछ अलग से जोड़ नहीं रहे हैं. इट टुक हिम ईयर्स टू गेट ओवर द शॉक ऑफ हिज फादर डाइंग. ठीक है, उसे सालों लग गए अपने पिता की मौत की सदमे से बाहर निकलने में. क्लियर. अब आते हैं नेक्स्ट इज हैपन ओवर नाइट. ओवर नाइट मतलब रातों रात, तो रातों रात कुछ होने की बात करेंगे तो हम यूज करेंगे हैपन ओवर नाइट. दिस कैन नॉट हैपन ओवर नाइट, ये रातों रात नहीं हो सकता. दिस डिडंट हैपन ओवर नाइट, ये रातों रात नहीं हुआ. नथिंग हैपन्स ओवर नाइट, कुछ भी रातों रात नहीं होता. कड़ी मेहनत होती है, अगर कोई सक्सेस भी पाता है तो उसके पीछे सालों की कड़ी मेहनत होती है. रातों रात कुछ भी नहीं होता. दिस इज समथिंग विच डजंट हैपन ओवर नाइट, ये कुछ ऐसा है जो रातों रात नहीं हो जाता. समझ रहे हैं आप? तो ऐसे सेंटेंसेस आप अक्सर बोलते हैं, बना के जरूर लिखिएगा. एक कैचअप, तेज जाकर पकड़ लेना. कैचअप का मतलब आप तब यूज करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए आप दो लोग किसी जर्नी पर निकलते हैं और क्या होता है कि कोई आपसे थोड़ा पहले निकला, बट आप अपनी तेज स्पीड से जाके उसके साथ हो लेते हैं, तो वहाँ पे आप कैचअप का यूज़ करेंगे. आई वॉज अहेड ऑफ हिम, मैं उससे आगे था, मैं भी निकला वो भी निकला, मैं उससे आगे था, बट ही कॉट मी अप सून, लेकिन उसने जल्दी ही, मतलब वो जल्दी ही मुझ तक पहुँच गया. वी लेफ्ट बिफोर देम, हम उनसे पहले निकले थे, बट दे सून कॉट अस अप अगेन, लेकिन उन्होंने हमें फिर से पा लिया. ही इज़ रियली फास्ट, वो बहुत तेज है, एंड आई कुडंट कैच अप विद हिम, और मैं उसे पकड़ नहीं सकती. तो यहाँ ओवरऑल यही है कि उस स्पीड से मैं नहीं जा सकती, वहाँ नहीं पहुँच सकती. अगला है कट समबडी शॉर्ट, ये एस बी मतलब समबडी, तो यहाँ पे आपका कोई प्रोनाउन आ सकता है, किसी का नाम आ सकता है. इसका मतलब होता है बीच में ही इंटरप्ट कर देना, कोई अपनी बात ख़त्म ना कर पाए और आप बीच में बोल दें, या आप अपनी बात ख़त्म नहीं कर पाए, सामने वाला बीच में बोल दे, तो उसने क्या किया, आपको कट शॉर्ट किया. ठीक है, देखिए कैसे यूज़ करेंगे. ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन करना उसने शुरू किया, बट शी कट हिम शॉर्ट, लेकिन उसने उसे बीच में ही रोक दिया. शी ट्राइड टू एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट रिया कट हर शॉर्ट, लेकिन रिया ने उसे बीच में ही रोक दिया. ही वॉज जस्ट अबाउट टू से हु हैड गॉट द जॉब, वो बस बताने ही वाला था कि जॉब किसे मिली. ठीक है, बट आई कट हिम शॉर्ट, मैंने उसे बीच में ही रोक दिया. एंड आस्क्ड हिम टू कीप इट सीक्रेट, और उससे बोला कि इसे राज ही रखे. नेक्स्ट इज कम डाउन विथ. कम डाउन विथ का यूज़ करेंगे जब कोई बीमारी होने की बात कर रहे, यूजली वन दैट इज़ नॉट सीरियस, मतलब कोई बड़ी सीरियस बीमारी नहीं, नॉर्मल छोटी मोटी बीमारियों के लिए. आई थिंक आई एम कमिंग डाउन विद द फ्लू. ठीक है, रोहन केम डाउन विथ चिकन पॉक्स एट द वीकेंड. सो कम डाउन विथ का यूज़ करेंगे फिर वो जो बीमारी की बात कर रहे हैं उसकी. आई हैड कम डाउन विथ कोल्ड, मुझे सर्दी हो गई थी. सो आई हैड कम डाउन विथ कोल्ड. समझ रहे हैं आप कैसे यूज़ करना है आपको? बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान है ये. अब ये देखिए, स्टेयर्स मीन सीढ़ियाँ. अप द स्टेयर्स यूज़ करेंगे अगर ऊपर जाने की बात करते हैं, तो कैसे, सीढ़ियों से ऊपर. द बलून ड्रिफ्टेड अप द स्टेयर्स. ठीक है, ड्रिफ्ट मीन धीरे 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 करके जब जाती है. द बलून ड्रिफ्टेड अप द स्टेयर्स, शी रैन अप द स्टेयर्स, वो दौड़ कर ऊपर गई. तो बेसिकली मेरा मतलब है कि अप द स्टेयर्स आप यूज़ करने वाले हैं, उसमें आप वर्ब क्या क्या यूज़ करते हैं. अब ये बलून के लिए ड्रिफ्ट हो गया, वरना आप दौड़ कर जाते हैं, रन यूज़ कर लिया, चढ़ कर जाते हैं, क्लाइम यूज़ कर लिया, शी क्लाइम्ड अप द स्टेयर्स, या फिर आप सिर्फ जाते हैं नॉर्मल तो क्या बोलेंगे, शी वेंट अप द स्टेयर्स. क्लियर. इसी तरीके से अगर नीचे आ रहे हैं सीढ़ियों से तो डाउन यूज़ करेंगे. तो स्टेयर्स के साथ अप और डाउन, यहाँ क्या है, सीढ़ियों से सॉरी नीचे. ठीक है, सीढ़ियों से नीचे. द चिल्ड्रेन रैन डाउन द स्टेयर्स, मतलब दौड़ कर नीचे आ गए सीढ़ियों से. शी क्लाइम्ड डाउन द स्टेयर्स, तो क्लाइम अप
क्लाइंब डाउन, क्लाइंब अप, क्लाइंब डाउन. प्रैक्टिस इतनी करनी है आपको कि ये सारे वर्ड्स आपके ज़बान पे रट जाने चाहिए, ठीक है. तो गाइस कंप्लीट हुए आज के ऐसे वो कैप्स जो आज से आप यूज़ करने वाले हैं. आई एम श्योर कि आपने प्रैक्टिस कर ली हो, कहीं लिख लिया हो. देखिए तरीका ये है प्रैक्टिस करने का, जब मैंने कहा कि आपको एक वो कैप पर आपको एक सेंटेंस बनाना है, तो जैसे ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, वीडियो पॉज कीजिए, आप एक सेंटेंस बना लीजिए, चाहे अपनी कॉपी में चाहे कॉमेंट सेक्शन में, फिर प्ले कीजिए, फिर उसे समझिए, फिर उसके बाद फिर एक सेंटेंस बनाइए उस वो कैप पर. तो इस तरीके से करते हुए प्रैक्टिस हो जाएगी. और एक चीज बहुत जरूरी है कि आप इस वीडियो को दोबारा देखें. अभी देख सकते हैं तो अभी देखें, नहीं तो कल देखें, नहीं तो आप परसों देखें, बट इस वीडियो को दोबारा जरूर देखना है, तभी आप सारी चीजें रिकॉल कर पाएंगे और उसके बाद आपको ये चीजें याद हो जाएंगी ऑटोमेटिकली. जी हाँ, इसी तरीके से होता है, इसी तरीके से प्रैक्टिस की जाती है. तो गाइज मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले यही कहूंगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सबके साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे मैं और भी वीडियोज लेकर आऊंगी जिसमें आपको वो कैप्स बताती रहूंगी. अगर अभी तक आपने मेरा ऐप इंस्टॉल ना किया हो तो जरूर से करें, प्ले स्टोर पर जाइए, सिंपली टाइप कीजिए इंग्लिश कनेक्शन, ऐप मिल जाएगा आपको, इंस्टॉल कीजिए, वहां पर ग्रामर मास्टरी कोर्स है, एनरोल कीजिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती रहिए. चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिले और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाए. मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में. जय हिंद.